नेम इज मनीष शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्यादातर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ट्रेडिंग करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, पोजिशनल कैसे करना चाहिए। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आपको बना रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए। ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग करते हैं और ज्यादातर लोग ये सोचकर इन्वेस्टिंग करते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर 2-3 साल में, 5 साल में मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक ही चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 2009 के कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स। सुजलॉन, अगर आपने नाम सुना हो, सुजलॉन का 2008-09 में रेट चलता था 400 रुपये के आसपास और उस टाइम पे ये ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का काफ़ी फेवरेट स्टॉक था। ज़्यादातर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा एंड इसमें क्या हुआ, 400 के बाद जब ये गिरना चालू हुआ तो आज तक ये गिरे रहा है एंड नॉन स्टॉप इसका रेट आप देख सकते हो करीबन 4 रुपये। सो स्टॉक सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग में। अगर आपने एक गलत स्टॉक सिलेक्ट किया, आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कैन बिकम जीरो या ऑलमोस्ट जीरो। फॉर एग्जाम्पल आप IFCI देखिए, IFCI में भी सेम कैटेगरी है, ये भी 2009 के ब्लू चिप स्टॉक के लिस्ट में आता था, 100 रुपये का भाव चलता था इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है एजुकॉम एक स्टॉक था, करेक्ट। सो देखिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है, एंट्री लेना बहुत आसान है स्टॉक्स में, आप कोई भी स्टॉक एंट्री कर सकते हो लेकिन एग्जिट करना इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिसेंट केसेस में आपको समझाता हूँ। येस बैंक में देखिए ये स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था, करेक्ट, लेकिन यहां पर ये लेवल पे ये बड़े कैंडल में ये देखिए पूरी की पूरी लॉन्ग पोजीशंस ऑफलोड हुई है यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग पोजीशंस ऑफलोड होना मतलब ज्यादातर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट कर दिया था उन्होंने, ठीक है। सो एज अ इन्वेस्टर आपको भी ये स्टॉक 240-230 के आसपास एग्जिट कर लेना चाहिए था एज अ इन्वेस्टर। अब कई लोगों ने क्या सोचा कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, रखेंगे एंड अब उनका पोर्टफोलियो हो गया सीधा 36-67, करेक्ट। सो ऐसे स्टॉक्स में आपको देखिए ये स्टॉक्स में एंट्री करना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है बट एग्जिट लेना इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने इन्वेस्टिंग जो आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, अगर आपने उसमें राइट टाइम पे एग्जिट नहीं लिया तो आपका 400 रुपये वाला स्टॉक सीधा 4 रुपये भी हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अनादर मैं आपको एक और केस बताता हूँ, इंडसइंड। अब इंडसइंड बैंक में भी कई इन्वेस्टर फंसे। ये देखिए ये स्टॉक बहुत अपट्रेंड में था, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर 1400-1200 के आसपास ज्यादातर लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट किया है। मैक्सिमम एज अ इन्वेस्टर, अगर मैं आपकी जगह इन्वेस्टर होता तो मैक्सिमम मैं ये स्टॉक एग्जिट कर देता 1000 लेवल के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, करेक्ट। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, 1000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। अगर कोई भी स्टॉक 1000 साइकोलॉजिकल लेवल 4 फिगर से 3 फिगर में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। सो 1000 रुपये के आसपास मैं निकल जाता, बट कई लोगों ने ये अभी भी रखा हुआ है और अभी इसका प्राइस 400 रुपये है और जिस तरीके के फॉल इसमें आ रहे हैं मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 150 से 200 रुपये भी हो सकता है। सो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, ये NSE भी यही बोलता है और मैं भी आपको यही बोलूंगा कि स्टॉक इन्वेस्ट करना बहुत आसान है बट एग्जिट डिसीजन लेना आपको सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल्स में पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, लेकिन आप बाकी के स्टॉक्स जो आप खराब स्टॉक जो हो जाते हैं या जो इंडसइंड बैंक या ऐसे स्टॉक्स हैं आपको राइट टाइम पे ये स्टॉक्स में एग्जिट लेना पड़ेगा। होता क्या, मैं आपको एकदम क्लियर समझाता हूँ, एग्जाम्पल्स देखे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 10 स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो में लिए, करेक्ट। उसमें से होता क्या है, कई लोग ज्यादातर 4-5 स्टॉक लेते हैं, कई लोग 10 स्टॉक लेते हैं, ठीक है। अब ये 10 स्टॉक्स में से 3-4 स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, करेक्ट, 3-4 स्टॉक ऊपर जाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने लिया होगा 100 रुपये में और वो स्टॉक हो गया सीधा 2000 या 1500, करेक्ट, एंड बाकी के 6-7 स्टॉक्स सीधा 600 रुपये वाले 7 रुपये, फॉर एग्जाम्पल एजुकॉम जैसे। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये स्टॉक्स में प्रॉफिट आता है 3-4 स्टॉक्स में और ये सारे स्टॉक्स में लॉस होते रहता है और एट द एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो जो है वो 10 लाख रुपए वाला होता है, 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, करेक्ट।
ज्यादातर इन्वेस्टर्स का यही हालत है। अब आप कई लोग मुझसे शायद सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कई लोगों के पास एमआरएफ भी होगा, कई लोगों के पास इंफोसिस टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी होंगे जिनमें काफी लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया है, करेक्ट। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, या मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मार्केट में किसी को भी पूछिए एमआरएफ कितने लोगों के पास है और सोसलॉन कितने लोगों के पास है, आपको रेशियो बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसलॉन 100 लोगों के पास है तो एमआरएफ सिर्फ एक के पास है, ये रेशियो है, करेक्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन्वेस्टमेंट में आपका जो ये 7 स्टॉक जो आपको लॉस दे रहे हैं, अगर आप ये स्टॉक्स में राइट टाइम पे एग्जिट करना सीख लो तो आपको इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा पैसा बनेगा, करेक्ट। सो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ इन्वेस्टमेंट में। मैंने भी लॉसेस किए हैं सुजलॉन वगैरह में, ऐसा नहीं है। सो ये सब मिस्टेक्स करके मैं सीखा हूँ कि हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एग्जिट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने टाटा स्टील 200 में लेके 700 में एग्जिट किया है और आज वापस 250 का 300 रुपये का रेट है। सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वापस मैं आपको यही बोल रहा हूँ, एंट्री लेना स्टॉक्स में बहुत आसान है, बट एग्जिट करना उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं क्या देखता हूँ, डिविडेंड देखता हूँ या बोनस देखता हूँ या स्प्लिट हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, करेक्ट। सिर्फ बैलेंस शीट देख के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडामेंटल्स के लिए। एंड वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, टेक्निकल्स भी थोड़ा देखो कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिसेंट स्टॉक्स बताता हूँ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है। एंड ये देखिए, एंड मैंने ये स्टॉक को करीबन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था 400 रुपये के आसपास। क्यों खरीदा था, क्योंकि आप देखिए ये क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट केस था यहाँ पे, करेक्ट। एंड ये मैं आपको ये मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो मंथली चार्ट पे 52 वीक ब्रेकआउट है ये। सो ऑब्वियसली ये यहाँ तक गया, मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया है ये रेड कैंडल में, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल था ये और यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आया। सो मैंने करीबन 1000 रुपये 1100 रुपये के आसपास इसको एग्जिट कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मैं इसको एंटर करूंगा। अभी इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर वापस ये ऐसा अप ट्रेंड बना के ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली इसमें एज अ इन्वेस्टर आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर रहे हो तो एज अ इन्वेस्टर आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, या कई लोग जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपको एकदम क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है, ज्यादातर लोगों ने अगर यहाँ पर 185 180 के आसपास लिया है अगर किसी ने, और अब प्राइस हो गया 54, तो अब ज्यादातर लोग क्या, जिन्होंने एग्जिट नहीं किया वो लोग होल्ड करेंगे। हो सकता है 3-4 साल 2-3 साल होल्ड करेंगे ये स्टॉक, और जब वापस कॉस्ट प्राइस के आसपास आता है, कॉस्ट प्राइस के आसपास, तो ये स्टॉक को एग्जिट कर देंगे। पिछले 7-8 साल में जो लोग इन्वेस्टर बने हैं मार्केट में, वो लोग यही कर रहे हैं। स्टॉक लेते हैं 100 रुपये में, नीचे में रेट देखते हैं 40-50 रुपये के आसपास तक, 3-4 साल स्टॉक होल्ड करते हैं और अपने पोर्टफोलियो मोबाइल में बना के रखते हैं लिस्ट कि कॉस्ट प्राइस याद रहे और जब कॉस्ट प्राइस के आसपास मिले तो मैं एग्जिट कर लूँ। ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है, जो लोग एग्जिट टाइम पे नहीं कर पाते वो फिर कॉस्ट प्राइस का इंतज़ार करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्टॉक में राइट एग्जिट करना सीखना है या फिर एज अ इन्वेस्टर बनके सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे एग्जिट करना है। तो सहमत नहीं हो, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोज में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, फंडामेंटल्स के बारे में, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, टेक्निकल्स के बारे में भी सिखाऊंगा। एंड ऑब्वियसली मार्केट अपडेट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर भी, एज अ पोजिशनल ट्रेडर भी, करेक्ट। सो वापस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करें सोच कर समझ कर, इन्वेस्ट कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।